हेलो बच्चों, एक बार तो माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की यूपी पीएससी की जो ऑडिटर या असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है आपका, उसकी प्रिपरेशन मैं करा रही थी, उसको बैक टू सॉल्व करवा रही थी। तो आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इससे पहले भी मैं इसका काफी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है। आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे ये लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स का वीडियो को शेयर भी करना है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज कॉज्ड बाय, ह्रास का कारण होता है। प्राइस फ्लक्चुएशन, मूल्योच्चावचन, सेल, विक्रय, यूज ऑफ एसेट, संपत्ति का प्रयोग, नन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ह्रास होता है कि किस कारण से लगाया जाता है, क्यों जो डिप्रिसिएशन लगता है, उसको समझने के लिए पहले हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ह्रास होता क्या है, व्हाट इज डिप्रिसिएशन। जैसे जैसे कोई संपत्ति है, कोई एसेट हमारे पास है, उसके मूल्य में, उसकी वैल्यू में कमी होती चली जा रही है, उसे कहा जाता है डिप्रिसिएशन या पे ह्रास। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल लें, आपके पास बाइक है या स्कूटी है, तो अगर आज आपने वो खरीदी है 1 लाख की प्राइस पर, तो धीरे धीरे क्या होती है, उसकी मार्केट वैल्यू कम होती जाएगी। जब 10 साल बाद अगर आप उसको जो है रीसेल करने जाएंगे, तो वहां पर उसकी मार्केट वैल्यू काफी कम हो चुकी होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, उसमें टूट फूट होती जाती है, घिसावट आती जाती है, मॉडल पुराना हो जाता है, इस वजह से उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है। वो डिप्रिसिएशन की वजह से होता है, ह्रास करने की वजह से होता है। यही हो जाती है कि किसी भी संपत्ति के, किसी भी एसेट के मूल्य में होने वाली धीरे धीरे जो कमी होती है, वही क्या कहलाती है, हमारी डिप्रिसिएशन कहलाती है, ह्रास कहलाती है। अब क्वेश्चन ये कि क्या कारण होते हैं ह्रास के, तो जो आपका ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें एक ऑप्शन जो आपका संपत्ति का प्रयोग है, यूज ऑफ एसेट है, वो होता है डिप्रिसिएशन का कारण, इस वजह से भी डिप्रिसिएशन लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो तरह के हो जाते हैं इसके कारण, एक होते हैं इंटरनल और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल कॉजेज जो होते हैं कि किस तरह की संपत्ति है, किस तरह की एसेट है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। तो इसमें आपकी कौन कौन से हो जाते हैं, एक होता है प्रयोग से ह्रास यानी कि वेयर एंड टियर। जब हम एसेट्स को यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है कोई, उसको जैसे जैसे हम यूज करेंगे, धीरे धीरे क्या होती है, उसमें टूट फूट होती रहती है, वो धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। समाप्त होने से ह्रास, एग्जॉशन, तो पेड़ आप लगाइए तो क्या होता है, धीरे धीरे वो समाप्त होते जाते हैं, खत्म होते चले जाते हैं। खाली होने से ह्रास, डिप्लेशन, जैसे कि तेल का कुआ है, सबसे अच्छे इसके उदाहरण यही रहते हैं कि जो तेल का कुआ है, जैसे जैसे आप उसमें से निकालते जाएंगे, धीरे धीरे उसमें भी कमी होती चली जाती है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं पर ह्रास, डिटोरिएशन, इसमें रहता है कि कुछ इस तरह की अस्थायी संपत्तियां होती हैं, जैसे कि कुछ खाने वाली वस्तुएं होती हैं, अगर उसको फॉरन यूज ना किया जाए, कुछ टाइम लिमिट तक यूज ना किया जाए, तो वो भी खराब हो जाती है, वो भी एक टाइप है डिप्रिसिएशन का। एक्सटर्नल कॉजेज जो होते हैं, तो जैसे जैसे एक हो जाएगा समय बीतने पर ह्रास, यानी कि जब समय बीतने पर ह्रास में क्या रहता है कि जो संपत्तियां होती हैं उनका अपना एक लाइफ होती है, उस लाइफ के टाइम जैसे 10 साल की है, 5 साल की है, तो उसकी भी एक एक्सपायरी डेट समझ लीजिए होती है, उसकी जो जीवन काल है, उसकी जो लाइफ टाइम, उसको समाप्त हो जाने के बाद उसकी वैल्यू भी है जीरो हो जाती है। जिन लोगों के पास, आपके पास व्हीकल्स होंगी, आप लोग को आइडिया होगा इसके बारे में। अपशिष्ट से ह्रास हो सकता है, अपसोलेंस से बोला जाता है कि जब नई मशीनरी के बनने जाने के बाद पुरानी मशीनरियाँ जो होती हैं, जैसी नई टेक्नोलॉजी आती है, ऐसी जो आपकी पहले अभी तक आप यूज कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट से ह्रास, परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू। अगर कुछ संपत्तियां ऐसी हैं, जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें और उसके बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट आ जाती है, मूल्य में कमी आ जाती है, तो वो भी क्या है, एक डिप्रिसिएशन का ही टाइप होता है। तो ये कारण हो जाते हैं दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिससे कि डिप्रिसिएशन होता है। मैंने सारे आपको जो है डिटेल में समझा दिए, एग्जाम में कोई भी आपको पूछेगा तो आप क्लियर रहेंगे कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर होगा, हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास को परिभाषित करें। डिफाइन डिप्रिसिएशन, एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम, रिसोर्स डिमिनिशेस ओवर द लॉन्ग रन बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन, एसेट्स दैट कैन क्विकली बी टर्न इनटू कैश, नन। तो यहाँ पे एक आंसर आपसे ह्रास की, डिप्रिसिएशन की डिफिनेशन पूछी है कि क्या होती है। तो यहाँ पर जब हम लॉन्ग टाइम में तक किसी भी एसेट को यूज करते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, इस वजह से आप पर डिप्रिसिएशन लगता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि लंबे समय में उपयोग के कारण संसाधन समाप्त हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और वही कमी क्या कहलाती है, डिप्रिसिएशन कहलाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन? शो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, शो रिकॉर्ड्स टू इनकम डिपार्टमेंट, टू गेट अ टैक्स रिबेट, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर बेसिकली ये पूछा जाता है कि जो ह्रास हम लगाते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, तो उसका मेन रीजन क्या होता है, क्यों दिखाया जाता है डिप्रिसिएशन को, जो हम बुक्स बना रहे हैं, जो हम अपने अकाउंट्स रख रहे हैं उसमें, तो उसका मेन आपका जो रीजन होता है या जो मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव होता है वो ये रहता है कि सही प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को पता लगाने के लिए। अगर हम जो डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो हमारी जो एसेट है, जो जैसे कोई एसेट हमने 5 साल पहले ली थी, आज 5 साल बाद उसकी वैल्यू काफी घट चुकी है, वो एसेट बहुत कम रह गई है, लेकिन अगर उसी मूल्य पर हम अपने अकाउंट्स में, अपने बुक्स में दिखाते जाएंगे, तो वहां पर ये रहेगा कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो सही हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हमने एक्चुअली जितनी एसेट दिखा रही होती है हमारे पास नहीं होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हम प्रॉफिट अपना सही नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए जरूरी होता है डिप्रिसिएशन को चार्ज करना। तो क्या हो जाएगा इसका एक आंसर, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। इसलिए डिप्रिसिएशन लगाना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, इसके उद्देश्य या आवश्यकता कह सकते हैं, आर्थिक स्थिति जानने के लिए, टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन, ये पता चले कि कितनी एसेट्स हमारे पास हैं अभी करेंट में, पूंजी को डूबने से बचाना, प्रिवेंट रिजन ऑफ कैपिटल कि अगर हमने डिप्रिसिएशन का पोजिशन नहीं किया है या डिप्रिसिएशन को चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम नहीं दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर हम सही ढंग से ये नहीं बता पाएंगे कि एसेट्स कितनी है, तो जो कैपिटल दिखाएगी या जो बैलेंस शीट हमारी है वो सही हमें स्थिति को नहीं बता पाएगी। संपत्ति के प्रस्थापन के लिए भी रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट कि अगर हम चार्ज करेंगे तो एक हमारे पास उसका हम प्रोविजन भी रखेंगे, तो फिर डिप्रिसिएशन फंड बनाए जाते हैं या इन्वेस्टमेंट फंड बना दिया जाता है डिप्रिसिएशन का, जिसमें कि जो अमाउंट होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जब भी संपत्ति जो एसेट होती है वो पूरी तरह समाप्त हो जाती है, तो हमारे पास इतना फंड होता है कि उसी से हम नई संपत्ति को रिप्लेस कर देते हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट बिजनेस से हमें एक बार में पैसे नहीं निकालने पड़ते, जिसकी वजह से क्या रहता है कि एक तरह से कह सकते हैं सिंपल से कि बिजनेस का बजट ही बिगड़ता, ऑलरेडी हमारे पास उतना फंड होता है। लाभांश का बंटवारा करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड कि जो भाजी लोग योग्य लाभ निकाला जाता है, डिवाइजेबल प्रॉफिट निकाला जाता है, जिसमें से कि डिविडेंड को दिया जाता है, उसके लिए भी डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है। तो ये सारे वो आवश्यकता कह लीजिए या महत्व है या उद्देश्य है जो इम्पोर्टेंट होते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। तो मैंने सबको आपको डिटेल में समझा दिया। यहाँ जो उद्देश्य है, शुद्ध लाभ की गणना करना, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास का क्या कारण है? व्हाट कॉज डिप्रिसिएशन? लॉस ऑफ गुड्स, परचेस्ड ऑफ गुड्स, इंक्रीज लायबिलिटी, वेयर एंड टियर। तो अभी मैंने आपको समझाए थे ये सारे कारण, तो उसमें वेयर एंड टियर भी था कि जो टूट-फूट हो जाती है, उससे भी संपत्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातों में ह्रास का प्रावधान करने के पीछे क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इन अकाउंट? टू शो द करेंट वैल्यू ऑफ एसेट, टू शो करेंट लायबिलिटीज, टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ एसेट्स अगेंस्ट प्रॉफिट, टू परचेज न्यू एसेट। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो खातों में हम डिप्रिसिएशन का प्रोविजन करते हैं, ओके, प्रोविजन भी किया जाता है, जिससे कि जब आवश्यकता हो तो हमारे पास इतना ही अमाउंट हो कि हम उससे रिप्लेस कर सके, तो उसके पीछे क्या कारण होता है? तो उसके पीछे एक कारण होता है कि जो प्रॉफिट है हमारा, उस प्रॉफिट में से हम डिप्रिसिएशन को निकाल करके उसका प्रोविजन कर सकें, जिससे कि जब आवश्यकता हो तो वहाँ पर हमारा बस इतना फंड हो और हमें कहीं और पर से उस अमाउंट को न निकालना पड़े। इसलिए चार्ज किया जाता है प्रॉफिट में से प्रोविजन, इसीलिए चार्ज किया जाता है प्रॉफिट में से जो हमारा डिप्रिसिएशन है वो। तो एक आंसर होगा हमारा, टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ एसेट अगेंस्ट प्रॉफिट, एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नीति के अनुसार मूल ह्रास स्थिर रहता है? द डिप्रिसिएशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू विच मैथड? सिंगल चार्ज मैथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, डिक्लाइनिंग बैलेंस, स्ट्रेट लाइन मैथड। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो हमेशा एक जैसा स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता, तो वो हो जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें एक आपका निर्धारित दर से लगाया जाता है, उस पर ही आपका हर वर्ष डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास किस संपत्ति पर लगाया जाता है? डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, बोथ फिक्स्ड एंड करेंट एसेट, नन ऑफ द अबव। डिप्रिसिएशन होता है वो किस तरह के एसेट पे लगता है? ये फिक्स्ड एसेट पे लगता है, जो स्थायी संपत्तियां होती हैं उन पर चार्ज किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्योंकि बात ये हो रही थी कि लंबी अवधि, क्योंकि एक कुछ दिन में या कुछ महीनों में तो छूट छूट की बात नहीं हो रही ना, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। तो लंबी अवधि की बात होगी तो वहाँ हमारी फिक्स्ड एसेट ही आ जाएंगी, बैंक ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट जनरली अज्यूम नॉट टू डिप्रिसिएट? मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ऑल ऑफ दैट। अच्छा क्वेश्चन है, तीनों ही एसेट क्या है आपकी? फिक्स्ड एसेट ही है, लेकिन कौन सी एसेट ऐसी है जिस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो लगता या नॉर्मली जिसे नहीं माना जाता है कि ह्रास हुआ है? मशीनरी पर भी होता है, बिल्डिंग पर भी होता है, लेकिन जो भूमि होती है, लैंड होती है, क्योंकि तो डिप्रिसिएशन में होता है कि धीरे धीरे वो कम होती जाती है, लेकिन अगर हम बात करें भूमि की, लैंड की, तो जितनी है नॉर्मली उतनी ही रहती है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। हाँ, उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, लेकिन वो भूमि उतनी ही रहती है, लैंड उतनी ही रहेगी, इसलिए माना जाता है कि वो आप उस पर ह्रास चार्ज नहीं किया जाता या फिर डिप्रिसिएबल नहीं होती है। एक आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत ह्रास किस पर मिलता है? अंडर इनकम टैक्स एक्ट डिप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन परचेज प्राइस, मार्केट प्राइस, रिटर्न ऑन वैल्यू, फेस वैल्यू। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंतर्गत जो डिप्रिसिएशन होता है वो किस वैल्यू पर, किस मूल्य पर या किस प्राइस पर लगाया जाता है? तो ये आपका जो रिटर्न ऑन वैल्यू है, यानी कि जो अपलिखित मूल्य होता है, उस मूल्य पर लगाया जाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोधित ह्रास को अगले कितने कर निर्धारण वर्षों तक समायोजन हेतु आगे ले जाया जा सकता है? फॉर हाउ मेनी असेसमेंट ईयर्स अनऑब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, अनस्पेसिफाइड पीरियड। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अशोधित ह्रास है, जो अनऑब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, उसको आप कितने वर्षों तक, कितने कर निर्धारण वर्षों तक आगे ले जा सकते हैं और वो आपका लीगल होता है, वैलिड होता है? तो यहाँ पर जो अशोधित ह्रास होता है, अनऑब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होता है, उसको आप अनस्पेसिफाइड पीरियड तक के लिए ले जा सककर अपने जो प्रॉफिट होगा उससे रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, उससे प्रोविजन कर सकते हैं, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास है, डिप्रिसिएशन चार्जेस आर कैश एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो डिप्रिसिएशन होता है, ये जो चार्जेस इसके होते हैं, ये किस तरह के होते हैं? नगद व्यय होते हैं या फिर वित्तीय व्यय हैं या फिर गैर नगद व्यय हैं या गैर परिचालन व्यय हैं? तो जब बात करते हैं हम कि ये डिप्रिसिएशन चार्जेस किस तरह के होते हैं, तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, गैर नगद व्यय होते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास संपत्तियों का उसके उपयोगी जीवन के बाद अनुमानित मूल्य कहा जाता है? द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट्स आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड एक्चुअल वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू, डिस्पोजल वैल्यू, करेंट वैल्यू। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी एसेट्स जिन पर डिप्रिसिएशन लगाया जाता है, तो उनके उस जीवन काल के बाद जो भी उसकी लाइफ है, उस लाइफ के बाद तो उनका मूल्य बचता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अवशिष्ट मूल्य कहा जाता है, डिस्पोजल वैल्यू कहा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल ह्रास मुख्य रूप से निम्न के कारण प्रदान किया जाता है? डिप्रिसिएशन इज प्राइमरीली प्रोवाइडेड ड्यू टू रिड्यूस टैक्स बर्डन, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट इन फ्यूचर, कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिप्रिसिएशन है वो किस कारण से दिया जाता है? कर का बोझ कम करने के लिए, भविष्य में जो स्थायी संपत्तियां, अचल संपत्तियां उनके प्रस्थापन के लिए, कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए। तो यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन होता है, जो मुख्य रूप से अगर हम कहें कि क्यों दिया जाता, तो वो हो जाता है मेन आपका फ्यूचर में जो आपकी फिक्स एसेट है उसके रिप्लेसमेंट के लिए, आपके पास फंड को एक उतना इकट्ठा हो कि जिससे आसानी से आप रिप्लेस कर सकें उस एसेट को। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसेट वाज परचेज फॉर ₹25,000 एंड वाज डिप्रिशिएबल अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर? क्वेश्चन का मतलब है कि एक संपत्ति है जो ₹25 में क्रय की गई थी, खरीदी गई थी, और उस पर 10% प्रतिवर्ष की दर से जो आपका इस क्रमागत ह्रास पद्धति है उससे ह्रास चार्ज किया जाता है, ह्रास लगाया जाता है। 3 साल के बाद अब संपत्ति का मूल्य क्या होगा? यहाँ पर ये नहीं पूछा है डिप्रिसिएशन कितना होगा, आपसे ये पूछा है 3 वर्ष के बाद संपत्ति का मूल्य क्या होगा, एसेट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी।
आइए देखें कि कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। क्या वैल्यू है? 25,000 की वैल्यू है। इसको सॉल्व करने के लिए जो ओरिजिनल इसकी कॉस्ट है 25,000 की है, लिख लीजिए। फर्स्ट ईयर में आप डायरेक्ट 10% डिप्रिसिएशन लगाएंगे 2500 का, लेस करिएगा कितना बैलेंस बचा, आपका पास बैलेंस आएगा 22,500, 22,500 का। सेकेंड ईयर में फिर हम जो 10% चार्ज करेंगे, तो अब हम जो चार्ज करेंगे वो हम चार्ज करेंगे जो हमारा 22,500 आया है, 22,500 की अब जो हमारे पास एसेट बची है, रिमेन है, उस पर हम चार्ज करेंगे 10%। तो कितना निकल के आएगा हमारा? 2,250 रुपये डिप्रिसिएशन आएगा सेकेंड ईयर का। अब उसे हम फिर लेस कर देंगे जो हमारी 22,500 की जो वैल्यू थी एसेट की उसमें से, तो बैलेंसिंग अमाउंट कितना आएगा? 20,250, 20,250। अब थर्ड ईयर में, क्योंकि आपसे 3 वर्ष के लिए कहा था, तो तीसरे साल फिर निकाला जाएगा 10%। तो अब जो निकलेगा किस पर निकलेगा वैल्यू पर? 20,250 की जो 20,250 की जो वैल्यू है अब उस पर हम 10% चार्ज करेंगे, कितना आएगा? 2025। अब हम इसे लेस कर देंगे जो हमारी एसेट की वैल्यू थी उसमें से, तो अब कितना बैलेंसिंग अमाउंट हमारा थर्ड ईयर के बाद बचेगा डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद का? कितना आ जाएगा? 18,225, यानी कि 18,225 रुपये। यही हो जाएगी हमारी 3 वर्ष के बाद जो संपत्ति का मूल्य है वो, तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कंफ्यूज करने के लिए आपसे जो है तीनों ही अमाउंट दे रखे गए हैं, पहले वर्ष में जो आया वो उतना दे रखा है, सेकेंड ईयर का 20,250 भी दे रखा है। यहाँ पर निकाल की जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 18,225 रुपये। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है किसी भी मेथड का होगा तो ध्यान रखिएगा किस मेथड के अनुसार पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एग्जाम में ज़्यादातर जो आपके डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है वही पूछता है, क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूजन उसी में होती है, तो इसीलिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपका उसी से रिलेटेड ही आता है, इसीलिए उसी का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास की दर है, द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स इज 25%, 15%, 20%, 5%। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अमूर्त संपत्तियां हैं, जो इंटेंजिबल एसेट होती हैं, उन पर जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, तो उसकी कितनी वैल्यू होती है, कितनी परसेंटेज होती है, उसे किस परसेंटेज पर उसको चार्ज किया जाता है? तो वो चार्ज किया जाता है 25% पे, 25% पर। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।